धार्मिक रिएक्ट नाम का चैनल लिंक जो है आ, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी क्योंकि दूसरा चैनल हमारा अगेन एंड अगेन है और आ, इसलिए हम नहीं कर रहे थे तो बहरहाल हम जो है उस उसके धार्मिक वीडियो जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और आई होप सो आप लोग जो है और कल की मूवी का जो है वो रिएक्शन भी उस चैनल पे आएगा धार्मिक और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो सो मच गाइस लेट्स स्टार्ट जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएससी वाले भेजे थे जो हमारे बड़े थे इनकी पतलू ने नाइनटी थ्री थाउजेंड ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों दो हजार चौबीस और आज फिर इनकी पतलू ने उतारने लगा कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे जरा इनको जुते मारो फिर कहता है 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े हां हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े पाकिस्तान किस मोड़ पे आके है दोस्तों उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है जैन दोस्तों मैं हूं मैं शुक्रवार और आप देख रहे हैं तो के डायलॉग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भला गंदा बिल्कुल तो मत भूलिएगा दोस्तों जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी हमें तो पता ही था हमें तो पता ही था भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है वहां पर नमाज जनाजा पढ़वाई है गार्ड ऑफ ऑनर दिया है हमने उन सोल्जर्स को उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे कह रहा पता नहीं कौन है मर गए मर गए जाने दो हमारा कोई नहीं है ये हम इसको जानते ही नहीं कौन है एक था कप्तान कैप्टन था कर्नल शेर खान कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं है कौन है हमारा तो है नहीं है मरमुरा गया होगा कोई ये है कोई मुजाहिदीन सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई हमारा बंदा है ही नहीं फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब ब्रिगेडियर एम पी एस बाजवा साहब उन्होंने साइटेशन लिखा कि यह जो बच्चा है यह बड़ी बहादुरी से ठीक है हमने इसकी जान ले ली यह हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करज का ब्रेवरी का टॉप अवार्ड तब उसको दिया गया यह दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का आज की तारीख में आसिम आसिमुनिर करा हां हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े 1947 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े 65 फाइव में भी बड़ी बहादुरी से लड़े 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े यह भी बोल दो ठीक है आसिम मुनीर जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आई गया तो यह भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एस वाले भेजे थे उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से देखो सुनो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं यह क्यों सिग्निफिकेंट है एक्चुअली इवन इन 1949 फोर्टी यह पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं जो हमारे बड़े थे इनकी पतलू ने नाइनटी थ्री थाउजेंड ढा में उतार चुके हैं दोस्तों दो हजार चौबीस और गौरवारी आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है नहीं तो कभाईली है तो कबाईली है, है हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारा कोई अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े कैसे बहादुरी से लड़े भाई तुम तो थे ही नहीं यहां पर तुम तो थे ही नहीं दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में 1965 इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी और इन्होंने पता क्या सोचा था इन्होंने यह सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे इरेगुलर आ जाएंगे वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से और इन्होंने एक साल पहले रण ऑफ कच्छ में जो कि गुजरात में है वहां पर एक्शन करना शुरू कर दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ और जंगी जनून किसके सर पर चढ़ा जंगी जनून चढ़ा सर पे उल्फिकार अली भुट्टो के जो कि प्राइम मिनिस्टर था ठीक है जी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी उन्नीस की बात लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े फिर इनको जूते पड़े लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इरेगुलर्स भेजे अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी इन्होंने उन्नीस में अपने इरेगुलर्स भेजे सादी वर्दी वाले और इनका ये आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा और कश्मीरी मुसलमान इनको लगा कि बीस हजार कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ वहां पे कश्मीरियों ने आपको पता है क्या करा कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे जरा इनको जूते मारो इट्स अ फैक्ट आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना आपको पता लग जाएगा इंडियन मुस्लिम्स कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं जरा सुअरों को मारो ठीक है वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे पाकिस्तानी फौज अगर गए क्या एक्शन ले रहे हैं तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा लाहौर तो बचा बचाया था ऑपरेशन जिब्रोल्टर क्या था उसके एक साल पहले यानी कि में तुम लोगों ने रन ऑफ कच में क्या करा था जरा यह भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा फिर कहते हैं वन में बड़े ब्रेवली लड़े हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में अभी भी तुम्हारी पतलू ने टंगी है सूख रही है अभी तक सूखी नहीं जब से गिली हुई थी राइट right? यह भी हमें पता कितनी बहादुर तुम्हारी फौज और वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा आए कारगिल चढ़ दौड़े जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयर फोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे और इंडियन नेवी ने और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोर्ड लगाई इनका गला सूख गया इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे इतनी बुरी तरीके से मारेंगे नवाज शरीफ गया फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे क्या भाईजान माफ कर दो माफ कर रास्ता दे दो हमारे बंदे निकल जाएं ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था वहां पर चिकन का सैंडविच रखा हुआ था फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है यहां पे हम जाएंगे ऐसा करेंगे ये मुंह में ठूस विद चिकन सैंडविचेस तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में अच्छा ये बात मैं क्यों कर रहा हूं एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है क्या हो गया वहां पर पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का और उसने बोला कि चलो जेल उसने बोला चलो जेल और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे वहां पर फायरिंग हो गई अब तक पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे कोई कह रहा है दर्जन मरे कोई कह रहा है बीस मरे कोई कह रहा है दो दर्जन मरे पचास नो बडी नोज कोई कह रहा है कोई भी नहीं मरा ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा सिर्फ लाठी चार्ज हुआ है सिर्फ वाटर कैनन हुई है सिर्फ टीयर गैस हुआ है कोई कह रहा फायरिंग हुई है यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब को ग्रेनेड ले आया था बीच में किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया अब पता नहीं जितने मुंह उतनी बातें लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है और दोस्तों अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है ये तो जो घटना थी घट गई एक दो दिन पहले यार ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की और उसके पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े बड़ी वीरता से लड़े ये सब कारगिल का नाम लिया फोर्टी एट फोर्टी का वो सब ठीक है यार वो अलग मैटर है अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों ऐसी बात है अब जियो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं ठीक है ना एक तो यह हो गया क्या हुआ अब जियो पॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन के पीछे लगा हुआ है कि मुझे निकालो और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और फौज भी लगी है अमेरिकन के पीछे दोस्तों यह भी सच्चाई है आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन के बीच में और उनको एक बात तय पता है बिल्कुल दे नो फॉर श्योर वन हंड्रेड परसेंट कि जितने भी मल्टीलैटरल लैंडिंग एजेंसी चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो ठीक है जी चाहे वो आई हो ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल चाइना के पास एक नहीं है ऐसी हाँ चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है ठीक है चाइना खुद पैसे दे सकता है लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उसके पैसे वापस करते करते और यहां पे आईएमएफ है आईएमएफ एम चौबीसवीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा है और पिछले तेईसवीं बार जो दिया पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा हाथ वात झाड़ा बोला थैंक यू वेरी मच यार अच्छा लगा डकार मारी पाकिस्तान ने कहानी खत्म हो गई या डकार भी नहीं मारी होगी राइट अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया दोस्तों ये सब ये जो आप देख रहे हैं ना ये जब सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त किस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है किस तरीके से वहां पे बिल्कुल हाय पर मची हुई है ये क्या हो रहा है? ये ये क्या हो हो रहा रहा है है दोस्तों मैं आपको बताता हूं दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना और चाइना का चूरन चख लिया शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई थी इमरान खान ने अजी ने यह बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ और यह प्रूव करो कि यह पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है उसने यह बोला और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों ही वॉज नेवर अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में है ये मुझे समझा दो कागज दिखाओ फौज ने पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को कागज दिखाने से मना कर दिया जब उसने इंसिस्ट करा जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते तब यह मरे मन से लाए कागज यह मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान के नॉरिडोर के कागज इमरान खान के होश फाख्ता हो गए इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी चाबी लगवा दी चीन का बन गया दुश्मन जब चीन का बन गया दुश्मन तो चीन ने उसको फड़का दिया राइट right? अच्छा इसमें आता है अमेरिका का मामला बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए तो यह कह देता है एब्सुलटली नॉट अच्छा इमरान खान के मन में यह बात थी कई लोगों ने यह सोचा कि चाइना का एजेंट है कई लोगों ने यह भी समझा कि यह अमरीका का एजेंट है क्योंकि कभी यह काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो कभी काम ऐसे करता था जो कि अमरीका में फायदे में हो लेकिन दोस्तों इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ दम इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमेरिका के खिलाफ भी कुछ काम करे पर हाल उसकी गद्दी चली गई वो जेल में है आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमरीका में लॉबिंग के ऊपर हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो इमरान को निकालो एक और चीज है वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा वो हम आपको बताई चुके हैं पहले बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफर्ड का उसको चांसलर बनाने का कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए एक बार वो ऑक्सफर्ड का चांसलर बन जाएगा तो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी कि ऑक्सफर्ड का चांसलर जेल में जेल में भाई उसको निकालो जेल से और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर वहां पे पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है दोस्तों ये आपको समझने की जरूरत है वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका राइट जैसा मैंने बोला वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले जो पैसे आएंगे वो अमेरिका बहादुर से आएंगे अमरीका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक पैसे अमरीका ही देगा कैसे देगा अमेरिका पैसे अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा कभी आई से लोन दिलवा दिया ठीक है जी कभी अमरीका ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि यार देखो एक दो बिलियन दे दो इनको इसी प्रकार से दाए बाएं अमेरिका पैसे देता रहेगा अब आप सोचिएगा पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर कि ये हो गया ये हो गया सितंबर का महीना है उन्नीस की लड़ाई और योम दिफा और फलाना डेम का ये सारा का सारा ये क्या झूठ है ये है पब्लिक का बराल रेस करने की बात क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका मुराल उसका मोटिवेशन सब घुटनों में जूतों में आ चुका है और इससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा परेशान है तो बीच बीच में झूठ बोल के कि तुम्हारे फौजियों ने बड़ा बलिदान दिया और बड़ी शहादत दी कुछ नहीं दी सरेंडर ही फौज है ये दो टके की फौज नहीं है आई तो एनी वे डोट लाइक दिस आर्मी इट्स अ यूजलेस नॉन प्रोफेशनल आर्मी ठीक है जी अब आखिरी चीज इमरान खान का मैटर क्या है यह मैटर और बढ़ेगा दोस्तों इसको अमेरिका हवा देगा जिसकी वजह से इमरान खान जेल गया था वही लोग इसको जेल से धीरे धीरे निकालेंगे राइट अगर डील सेट हो गई तो इमरान खान मैं आपको बता रहा हूं आज बता रहा हूं अगर डील सेट हो गई तो 2026 के पहले इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का अगर डील सेट हो गई सारी चीज है इमरान खान को किसी ना किसी के साथ डील करनी पड़ेगी चाहे वो अमेरिकन के साथ कर ले चाहे वो चाइनीज के साथ कर ले चाहे वो पाकिस्तानी फौज के साथ कर ले और पाकिस्तानी फौज इस डील में किसी के साथ भी डील करेगा वो, बिचौलिया पाकिस्तानी आर्मी बनेगी ये सोचने वाली बात है अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर अहम पैगाम लोगों के नाम अली देंगे। चैनल रामायण वाला जो है वो उड़ गया है पहली बात ये कर लेते हैं कि रामायण वाला चैनल जो है वो उड़ चुका है रामायण पे स्ट्राइक आ चुकी है और वार्निंग कितने दिनों से आ रही थी हमने जो है वो इसलिए रोका हुआ था लेकिन ये है कि अभी हमने एक और नया चैनल बनाया है धार्मिक रैक्ट और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा उसमें धार्मिक वीडियो आएंगी कल की मूवी का जो है वो रेक्ट वो अभी शुरू करेंगे वो आएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है सपोर्ट करें और चैनल वो वाला बंद हो गया देसी देसीबी रिएक्शन टू तो सात दिन बाद बंद हो जाएगा आपकी नजरों से भी दूर हो जाएगा देख सकते हैं रामायण अब नहीं पड़ी होगी काफी सारे बीच में से डिलीट है क्योंकि वो स्ट्राइक पड़ चुकी है जिस तरह तो महाभारत पे पड़ी थी हमें तो बहरहाल ये है कि अभी वीडियो की बात करते हैं और कल की मूवी पे काफी सारे जो है वो बंदे कह रहे थे कि रेक्ट करो उसी पे रिएक्ट करने लगे हैं और एक दो वीडियो पे किया हुआ है वो अपलोड कर देंगे और बाकी ऐसा ऐसा जो है बाकी भी पार्ट्स जो हैं सारे कर देंगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी और कल की मूवी को भी देखें हमारे साथ और बाकी अभी वीडियो की बात करें तो वीडियो जो है वो पाकिस्तान के हुकूमत फौज और इन चीज़ों के दरमियान है जो धरना हुआ उसकी भी बात हुई है दो दिन पहले धरना हुआ है और वहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ है और सुना है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और ना कोई सोशल मीडिया कहीं पे भी कोई ऐसी तकरीबन खबर नहीं थी बहुत कम है मेन स्ट्रीम पे तो है ही नहीं है ना मारने वाली नहीं है उन्होंने अब ऐसे वो नहीं वही कह रहा हूं ना जब जो जो हुआ सारा हुई भी वो वाली तो कोई नहीं है ना कि किसी ने बम फोड़ा या किसी ने जो है वहां पे फायरिंग की या कुछ किया ऐसा कुछ नहीं लेकिन इतना सुना है कि वहां पे लड़ाई हुई थी और लोगों की और पुलिस वालों की आपस में और पुलिस वालों को जो है वो मारा भी है अवाम ने इतने ही सुना था, था तो बहरहाल बाकी बात करें तो जो उन्नीस सौ पैंसठ की वार थी उस पर भी हमने दो दिन पहले एक वीडियो की थी वही तकरीबन जो है बीच में बात हुई कि कश्मीर में जो है वो चले गए और कश्मीरी जो है वो खुद आके बता रहे थे कि ये हमारे जो है वो इलाके में आ गए हैं इंडियन फौज को इंडियन आर्मी को इंडियन हुकूमत को बता रहे थे कश्मीरी तो वही बात आ जाती है कि जब कश्मीरी खुद उस वक़्त भी नहीं चाहते थे कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जाए तो पाकिस्तान क्यों कह रहा था कि जी कश्मीरी चाहते हैं जी हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे हम ये करेंगे वो चाहते ही नहीं है तो हम क्यों आज़ाद करेंगे किस लिए करना है जब वो वहां वहां की नहीं चाहती वो इंडिया के साथ रहना चाहती है तो इंडिया के साथ खुश है वो अभी तो सबको पता चल चुका है कि इंडिया के साथ खुश है वो आवाम लेकिन उस वक्त की बात करूँ उस वक़्त से तो इतना मीडिया काम नहीं करता था वही बात आती थी जो कि हुकूमत अभी भी मीडिया वैसे ही है लेकिन सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त जिसकी वजह से जो है वो उस तरह की खबर जो है वो नहीं पहुंचती थी और जो खबर पहुँचानी चाहिए वो नहीं पहुंचती थी जो नहीं पहुँचानी चाहिए वो पहुंचती थी तो इस वजह से एक गलत फहमियाँ लोगों में पैदा हुई हुई थी कि जी देखो जी लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने और इंडिया ने जंग छेड़ दी तो पहले ज़ाहिर है हमने कश्मीर पर जो है जब लाटर का बात कर रहे थे मिशन जो है वो उन्नीस जो है वो चौंसठ में जो है वो शुरू हुआ था तो वो नहीं बताते क्योंकि उससे बताएंगे तो पाकिस्तानी ने शुरू किया होगा तो वो सबको पता चल जाएगा लेकिन 1965 में जब इंडिया आता है लाहौर पे कब्जा किया तो उस वक्त कहते हैं कि जी इंडिया ने देखो जी पहल की है हमने जो है वो अपने इलाके छुड़वाए हैं बहादरी से ठीक है ज़ाहिर है हर कोई जो है अपने मुल्क के लिए लड़ता है पाकिस्तानी फौज जो सिपाही हैं वो लड़े थे और लेकिन यह है कि शुरू शुरू तो हमने की ना बात यह है कि शुरू हमने की और हारी भी हम हार गए ना तो कहते हैं कि वो ड्रा हो गई जी कोई भी नहीं आ रहा कोई ना जीता है ठीक है मानता हूँ लेकिन यह है कि इंडिया जीत चुका था इंडिया ने ज़्यादा नुकसान किया था पाकिस्तान का पाकिस्तान ने तो अचानक उन पर जंग कर दी लेकिन फिर भी उन्होंने बग़ैर तैयारी के जो है वो पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान किया कितने टैंक उड़ा दिए तो ये चीज़ है कि इंडिया जीत चुका था उस वजह से तो लेकिन यह है कि बहादुरी से लड़े ये हुआ वो हुआ ये हमारी ने कहा है ठीक है सिपाही जहर है बहादुरी से लड़ते हैं अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं असल मसला होता है जो कि ऊपर बैठे होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है उनका फैसला कैसा है वो गलत फैसले करते हैं भुगतना सबको पड़ता है फिर जैसे उन्नीस सौ अठतालीस में उस वक़्त के जो भी आर्मी चीफ थे उन्होंने किया अपना उन्नीस सौ पैंसठ में जो किया उन्नीस सौ इकहत्तर में जो किया उसके बाद 1999 में नाइन में में प्रविजम शरफ साहब ने किया तो ये चीज़ें जो है वो ये देखनी पड़ेंगी कि करता ऊपर वाला बंदा है लेकिन भुगतना को पड़ता है लेकिन वजह नीचे वाले जो है बेचारे वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे वो तो बहादुरी से ही लड़ेंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए इंडियन जो फौज है वो भी लड़ेगी इधर से पाकिस्तानी फौज लड़ेगी तो वो तो उन्होंने लड़ने ही लड़ना है बात यह है कि जो बड़े हैं उनके फैसले कैसे हैं किसने मुसलत की जंग किसी ने पहल की ये असल मेन चीज़ होती है ना तो वो पाकिस्तान हर कोई कहता है हम नहीं कहते हर कोई कहता है अब तो पाकिस्तान इंडिया इंडिया में तो पहले ही कहते थे पाकिस्तान में भी अब ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमने शुरू की चारों जंगे और हम ही आ रहे तो ये चीज़ जो है वो तिरानवे हज़ार की बात होती है तिरानवे हज़ार ने सरेंडर कर दिया तो एज अ पाकिस्तानी शर्म आती है हमें यकीन करें वो तो ठीक है बगैर होके बैठे हैं इधर और लेकिन यह है कि शर्म आती है कि उन्होंने सरेंडर किया पतलून ने उनकी उतारी छित्र उनको मारे गए तो जिसको हम शुरू से समझते रहे थे कि हमारी फौज नंबर वन तो तिरानवे हजार उन्होंने सरेंडर किया तो ये चीज़ें जो हैं वो ये ध्यान रखनी पड़ेंगी और इन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया बीच में कि इमरान खान क्या चाहता था चाइना से वो ज़ाहिर है और उसने ठीक कहा था चाइना को कि मारा जो है वो कितना फायदा है इसमें अमेरिका को उन्होंने ठीक कहा कि अड्डे नहीं देने हमने अफगानिस्तान में हमले नहीं करवाने अब ठीक बिल्कुल है बिल्कुल ऐसा ही और यही एक बड़ा रीजन बना था इमरान खान को हटाने के लिए इमरान खान चीखता और चिल्लाता रहा कि मुझे साइफर आया है ये साजिश है अमरीका की तरफ से रची जा रही है लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं माना उसकी बात को ये कहा जी कि ये अपनी तरफ से एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये एक चूरन है जो खिलाना चाह रहा है 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 को को और और कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं है। अब उसी साइफर लेकर सारी दुनिया मार रही कि हाँ वाकई ये चीज चीज हुई और उस की सबसे बड़ी दलील है अब तो सारी दुनिया के सामने इस वजह से आई है कि शेख हसीना के साथ जो चीज अमरीका की तरफ से हुई है फिर तो दुनिया को खुल के पता चल चुका है कि भाई जो अमरीका की नहीं सुनेगा उसका यही हाल होगा अमरीका ने उन्हें वार्न किया था शेख हसीना को कि ये बात है आप हमारी बात को मानिए अगर आप हमारी बात नहीं मानेगी तो आपकी राजनीति जो है वो सिक्योर नहीं रहेगी हाँ जो है जैसा हम कहते हैं वैसा आप करती रहें आपकी राजनीति सिक्योर रहेगी वोट चाहे आपको पढ़े या ना पढ़े प्राइम मिनिस्टर आप ही रहेंगी देश के ऊपर होल्ड आपका ही रहेगा अगर आपने हमारी बात ना मानी तो बेशक सारा बांग्लादेश भी आपको वोट दे तो हम आपको टिकने नहीं देंगे लेकिन शेख हसीना जो है वो अपनी बात के ऊपर डटी रही उसने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर जो उसके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ इमरान खान ने यह बात वहां पे बैठ के ऑन मीडिया ऑन कैमरा ये बोली थी कि एब्सलूटली नॉट उन्होंने भी खुले आम इनकार किया था इसी बात को लेकर अमेरिका जो है वो जिद और अना में आ गया कि इमरान खान ने हमारी बात नहीं मानी ये बात है फिर इमरान खान के साथ जो चीजें आज तक हो रही हैं ये भी सारी दुनिया के सामने है कोई डकी छुपी नहीं है अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ किस बिना पे बिगड़ी वो इस बिना के ऊपर बिगड़ गई कि इमरान खान ने कहा कि आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान में स्टार्ट किया हुआ है और अवाम बिचारी जो है वो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है हंड्रेड में से नाइनटी जो है आप ले रही हैं और सिर्फ उसमें से नौ परसेंट हमें दे रहे हैं इस चीज का हमें क्या फायदा है हमारे परसेंट बढ़ाओ वो तो अपने देश के साथ मुखलस था चाइना को यह बात चुभ गई अब चाइना को भी अपने खिलाफ उसने कर लिया अमरीका को भी खिलाफ उसने अपने ए, ए, खिलाफ कर लिया किसके लिए अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क की आवाम के लिए मुखल लीडर के लिए एक निशानी होती है कि वो अपनी वाम के लिए अपनी कुर्सी को नहीं देखता हालांकि इमरान को भी ये पता था यार अगर मैं अमेरिका की या चाइना की दोनों में से किसी की बात के ऊपर लब कह देता हूँ यस सर कह देता हूँ तो मेरी जो वजारत है वो कहीं पे भी नहीं जाने वाली वो बच जाएगी इंडिया की लोग अक्सर मिसाल देते हैं जी कि इंडिया के खिलाफ भी तो साँचे हैं अमरीका कर रहे है, ओ भाई इंडिया के पास मुतबादल बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के पास मुतबादल नहीं है इंडिया खुद स्टेबल कंट्री है इंडिया खुद डेवलप ड्वेल्प कर रहा है इंडिया जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार कंट्री है उसके साथ पाकिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता अब अमेरिका ने अगर कुछ चीज़ें की भी हैं मुहालिफ सिमत में की हैं इंडिया के पास मुतबादल था रशिया इंडिया रशिया के पास चला गया ठीक है गो टू हेल्प हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमरीका हमारा साथ नहीं देता किसी चीज़ में इंडिया के पास मुतबादल है फिर इंडिया खुद भी वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रहे है जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा इंडिया के पास जो फैसिलिटीज हैं जो निज़ाम है जो इकॉनमी की पावर है जो गवर्नमेंट की पावर है वो पाकिस्तान के पास नहीं है हमने तो उनके पता नहीं कितने सारे पैसे देने हम उनसे लेके खाते हैं तो जो बंदा लेके खाए वो तो बात फिर ना सुने तो उसकी तो फिर हैर नहीं है ना उसकी तो सुनना मजबूरी है और मुतबादल भी पाकिस्तान के पास कोई नहीं है और जो है वो अपना खान की बात है ना शेर खान की वो तो कितनी में कही है कि पहले तो इनकार कर दिया जब बहादरी बा, के किस्से सुनाए तो फिर उनको और आ, निशाने मेरे में दिया गया हाँ। या को पता नहीं, को दिया था बिल्कुल हाँ। तो बाकी रही बात अपना आपके यही मौजूद थे और यही चीजें पाकिस्तान में जो चल रहा है इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है वो नहीं होनी चाहिए थी उन्होंने भी कहा था पीटीआई जब कह रही है कि पुरमन होगा और हम कोई ऐसा नहीं करेंगे कुछ ऐसा भगदड़ नहीं मचाएंगे कुछ ऐसी शैलिंग या कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे कि मतलब नुकसान पहुंचाए किसी चीज़ को हम तो इन ईज वे जो है पुरमन तरीके से हम एहत करेंगे और ये हमारा हक है और ये हमें दिया जाए लेकिन एट दी एंड बहुत सारी कोशिशें की गई रोड प्लॉक और ये चीज़ जो पाकिस्तान में हमेशा होता है लेकिन एट दी एंड उन्होंने देखा कि ये तो सर पे चढ़ गए और आप सर पे चढ़ के मोतने वाला हिसाब हो गया तो उन्होंने रबड़ की गोलियां भी यूज़ की हैं शेलिंग भी यूज़ किया बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मतलब उन पोस्टों को रीपोस्ट एक किस्म का किया है बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं और उनके थ्रू वो पोस्टें और वो चीज़ें और वो वीडियो क्लिप निकल के आते रहे हैं और बेसिकली अगर मैंने जितने भी क्लिप देखे उसमें मुझे ये नज़र नहीं आया कि कोई पुलिस वाला शेलिंग कर रहा हो ठीक है ड्रैक्ट वे में हमला कर रहा हूँ लेकिन जख्मियों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आई हैं और वो क्लिप थे और मगर वो क्लिप थे इट्स मीन कुछ हुआ है अब ये मुझे नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में अब वो क्लिप बन गए हैं एक जख्मी होने वाले और सारे डाउट ये पैदा होता है कि वहाँ से अगर फायरिंग हुई है शेलिंग हुई है या वो कर रहे थे तो एकदम से फायरिंग करके वो छुप थोड़ी गए हैं कि पता नहीं चलेगा वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं है और कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि फेक वीडियो हैं ए आई टेक्नोलॉजी से की गई हैं कुछ लोग कह रहे थे पुरानी वीडियोज़ हैं जो पहले दंगे फसाद हुए थे उनकी हैं और बाद में क्लिप नहीं दिखाई दे रहे पुलिस वालों के वो शेलिंग कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं या लाठी चार्ज कर रहे हैं वट एवर जो भी है तो उस चीज़ पर डाउट ज़रूर होता है लेकिन जो रियलिटी है जो बात हुई है वहाँ के लोग वहाँ पर भी जो जलसे पे थे उनसे भी थोड़ी बहुत जो है चैट हुई है या बात हुई है ऑन व्हाट्सएप उन्होंने भी कहा है कि मतलब ये हुआ है और उन्होंने किया है उन्होंने शेलिंग की है उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है कुछ कह रहे थे रबड़ की गोलियां चलाई लेकिन रबड़ की गोली से बंदा नहीं मरता जख्मी ज़रूर होता है पीछे हटाने के लिए होता है एक किस्म का डिफेंस है ठीक है जो आगे नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसको फायर किया जाएगा लेकिन यह कि मुझे लगता है गोलियां चली हैं और ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये हमारा मीडिया देता नहीं है बहुत सारी चीज़ें जिनको ये छुपाना चाहते हैं और इसीलिए नेट के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव तो डाला हुआ है और उसको स्लो डाउन किया हुआ है ताकि लोग कनेक्ट ना कर सकें और ख़बरें जो हैं बाहर ना आ सकें तो उससे बेहतर क्यों नहीं है कि हालात बेहतर कर दिए जाएँ मुल्क के और अच्छे कर दिए जाएँ वो यहाँ तक ही ना आए यहाँ तक ये चीज़ें आई ना लोग अपने हक़ के लिए बाहर ना निकलें निकल तो पहले ही नहीं रहे मतलब वो उनको हर सहूलत घर पर मिले वो जो है बाहर इस तरह ऐतजाज ना कर रहे हो ऑन रोड और अपनी जानें ना गवा रहे हों ये चीज़ जो है रुक जाए तो ये बेहतर हो जाएगा और जहाँ तक इमरान खान की बात रही है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो नो डाउट ये तो सिलसिला हमें भी पता है गौरव सर ने बोला कि चाइना को भी ना कर दिया उनसे भी वो लेन देन का मामला था सी पैक के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट गलत था वो भी हमें पता है और जहाँ तक अमेरिका की बात है उन्होंने अड्डे मांगे ड्रोन के लिए हमला करना था। तो उस उस पर एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने बोला वो बड़ा फेमस डायलॉग बना हुआ है इमरान खान का दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पता है हमें लेकिन आ जाके जो थर्ड पार्टी बीच में आती है हमारी आर्मी जो है उसको जो है किरदार अपना बॉर्डर पे अदा करना चाहिए जो चीज़ें हैं उन पे जोर देना चाहिए मुल्क में सियासत में इस चीज़ में इंटर नहीं करना चाहिए ये इंटरफेरेंस की वजह से जो है काम ख़राब है और जहाँ तक ये जज्बे और कुर्बानी और ये सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर और फिर रियलिटी जो है गौरव सर बता रहे हैं आलोक सर बताते हैं हमें तो जो हम देखते हैं मीडिया पे तो वो भी तो सामने आनी चाहिए वो भी सामने रखे ना ताकि हमें पता चले हाँ यार बंदा सामने खड़े होके सच बोल रहा है अब सच की बात कर रहा है जो रियलिटी है उनके देख रहे अफसरान खुल के बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा आपका लड़ा है और पता चला है कोई आपके जनाब जिसमान होता है ना कैलबर का दुश्मन होता है अपने कैलबर का तो वो बंदा था वो लड़ा है और आखिरी दम तक लड़ा है और उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत एजाजी तरीके से

जो एतबार होता है वो टूटता है और फिर आप दोबारा एतबार नहीं करते उसके ऊपर आर्मी के ऊपर भी यही चीज हो गई पाकिस्तान और है। रही बात जो है इमरान खान बाहर तभी निकलेगा जाहिर है किसी से डील करेगा तो ऐसे तो नहीं निकलेगा और ना कोई ऐसे निकलने देगा उसको डील किससे करेगा डील या चाइना से या अमेरिका से आ, या दोनों में से से एक करनी हो तीसरा भी ऑप्शन दे वो तो बिचोला बनेगा ना उन्हीं से पहले करनी है तो आगे फिर नहीं वो इस हिसाब से उन्होंने कहा होगा शायद की फौज से ही घर में डील कर लें उधर ही है ना

कि चाइना को आ, हाँ, मतलब उनके साथ हाथ मिलाना है या अमेरिका के साथ तो वो चूज़ कर सकते हैं बहरहाल तीनों तरीके जो हैं वो अवाम को भी पता है उनको भी पता है लेकिन निकलने का तरीका यही है इमरान खान का वरना नामुमकिन लोग मरेंगे इंतजार फैलेगा वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा और इस पर मैंने एक और अजीब सी चीज़ देखी है कि वाम में वो उख्ताट नहीं है वो भागने वाले नहीं हैं अवाम अक चुकी है तो है ये ये यही तो चीज ना पाकिस्तानी इधारों को सोचना चाहिए कि अवाम इतनी की तंग आ चुकी है कि वो अब इतनी सख्ती के बावजूद इतनी डर के बावजूद वो निकल चुके हैं बाहर निकले है। और वहां से नहीं रहे तो अच्छा? ये चीज़ सोचनी चाहिए ये चीज सोचनी चाहिए जो ये जलसा हुआ था वो जा नहीं रहे थे और उनको हटाने की कोशिश मिलते कर रहे थे मैंने भी फ्लिप देखा जिसमें मिलते कर रहे मैं कह रहा था यार तुम भी पाकिस्तानी हो तुम्हारे भी बच्चे हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है तुम अपनी ड्यूटी दे रहे हो लेकिन यह कि ड्यूटी में थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना यार हम अपने हक के लिए निकले वो गलत चीज़ के लिए नहीं निकले और किसी चीज को वो खराब भी नहीं कर रहे उन्होंने किया भी नहीं तो उसके बावजूद आप उनको मतलब उनके ऊपर है, तो है ये नहीं होनी चाहिए हो, अपना हक मिले घर बैठे हुए समेत हमारे क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है बिल्कुल तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही आ, कह लें कि हम में से एक ही हैं लोग जो वहाँ पे जाके जलील हो रहे हैं अखार हो रहे हैं मर रहे हैं जख्मी हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए यार आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट होगी वहां पे मूवी रिएक्ट भी करेंगे की के ऊपर वो भी आएगा और उसके बाद धार्मिक वीडियो होंगी क्योंकि नाम से पता चल जाता है और दूसरा चैनल जो है वो ओवर कर चुका है कहाँ चला गया है बारह लाभ का पता चल जाएगा हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है और प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल लिख दीजिएगा और जितना हो सके उसे शेयर कीजिएगा ताकि आपकी सपोर्ट से हम दोबारा ग्रो कर सकें और उस जगह पे दोबारा आ सके थैंक यू सो मच इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा तो भी याद रखिएगा तब तक के लिए